मेरे अति प्रियो, क्या आपके जीवन में आनंद में है? ये सुंदर जहां को आप देख रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं ये कहाँ है, कहीं हिंदुस्तान से बाहर है? नहीं, हमारा हिंदुस्तान में तमिलनाडु में तेनी जिला में ही जो है आनमलई ऐसा एक जहाँ को देखते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। हम अक्सर यही समझते हैं विदेश में सुस्त जाना है या इधर उधर जाने से अच्छा लगता है, लेकिन हिंदुस्तान में इतना सुंदर जगह है। तमिलनाडु में ही परमेश्वर ऐसे सुंदर जगह को रखा है। एक व्यक्तिगत आत्मी का बहुत बड़ा एक एस्टेट है, उन्होंने अच्छी तरह से इनको संभाल के शुद्ध करके अच्छा से वो सुरक्षित स्थान में रखा है, जिन्होंने इतना सुंदर ढंग से सृष्टि करके रखा है। आपके जीवन में परमेश्वर एक वादा को देना चाहता है। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय के 5वां वचन में, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। तुम अपने रोटी को मनमानी खाओगे, अपने देश में तो निश्चिंत रहोगे। हमारे इस जिंदगी में जीने के लिए हमारे लिए एक मकान की जरूरत है और रहने के लिए एक स्थान चाहिए ना। परमेश्वर आपके लिए वादा देना चाहता है, जिस स्थान में तू रहोगे वहां पर निश्चिंत रहोगे। इसका मतलब कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई समस्या आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। अपने रोटी को आप मनमानी खाया करोगे, इसका मतलब खाना में कभी कमी नहीं होगा। आपका आप ये नहीं सोचेंगे मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा। यीशु मसीह जब प्रचार करते थे, हजारों लोग या 20,000 से ज्यादा लोग भी उनको प्रचार को सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। वे इतने दूर दूर से आए, वे भूखे थे। यीशु ने सोचा था इनको भूखे पेट नहीं भेजना, इसलिए चेलों से पूछा था इनको खाने के लिए हमारे पास क्या है। उन्होंने कहा एक लड़का है, उसके पास 5 रोटी 2 मछलियां है। यीशु ने कहा उसको मेरे पास आओ लाओ। तो उनको यीशु के पास लाए, यीशु ने उनको आशीष दिया और बढ़ते गया सारे लोग काके तृप्त हुए हैं, किसी को वो यीशु भूखा नहीं भेजा है। यीशु ने ये नहीं कहा आधा अधूरा, यहाँ थोड़ा खा लो, घर में जाके और खा लो, ऐसा नहीं। जितना खा सकते हैं संतुष्टि भर के खाने के लिए यीशु ने आशीष दिया। आप हमेशा अपने तनख्वाह की, अपनी आमदनी के बारे में यही सोचते हैं ना, इतनी पैसा में मेरी जिंदगी को कैसे मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। आप परमेश्वर यीशु के पास सौंपिएगा तो उसी कमी पैसा में परमेश्वर आपके सारे कमियों को पूरा करेगा और आशीष में बढ़ाएगा। परमेश्वर ने आपके लिए वादा किया ना, उस वादा को परमेश्वर जरूर निभाएगा। इसलिए आपको ये कहकर परमेश्वर से विनती दुआ करना, हे परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार तू मुझे आशीष देना। क्या आज आप परमेश्वर से इस वचन को लेकर दुआ करेंगे? हे पिता, तू मुझ पर इतना प्रेम करता है, मेरे आशीष के लिए तूने अपने वादा को दिया है, इस वादा के अनुसार आज मेरे कमियों को तू पूरा करना है। प्रभु, मैं विश्वास से उस आशीष से प्राप्त करता हूँ, तू आशीष को मेरे जीवन में जरूर देने वाला है। यीशु के नाम में आमीन, आमीन।